Assalamualaikum. खाना आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल खाने वाले कस्टमर को ड्रॉप किया था ये जगह मेरे साथ शेयर करें। तेज़ हवा है मगर यहाँ तो होती रहती है हवा, हवा का कोई वो नहीं है कि आयर लैंड हो हवा ना हो, मगर मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये व्यू शेयर करना चाह रहा था। समंदर है, समंदर तो दूर है मगर यहाँ से नज़र आ रहा है क्योंकि ये बहुत हाइट पे है हमें, तो पूरा नज़र आ रही है इधर से, तो आप लोगों के साथ ही शेयर कर रहे हो। बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ देखी है, हिरन है डियर, तो वो भी आए, दो तीन थे बच्चे थे वो भी आप लोगों को दिखूँगा अगर होगी वहाँ पर, तो फिर और भी आपके उनके बारे में स्टोरी बताता हूँ कि इधर मैंने देखे 300-400 तक मैंने देखे हैं, इतना बहुत ज़्यादा रेवड़ की शक्ल में बहुत ज़्यादा होते हैं, रेवड़ पर मेरे घर में जो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर करूँगा आपको ये भी दिखा बता चाहते हैं। इधर सिर्फ तीन है, मेरे ख्याल पे और भी होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको कोई मतलब शिकार करे, कोई नुकसान पहुँचे, इस बात की कोई वो नहीं है इनको यार कम कुछ नहीं। आप देख रहे हो ये कस्टमर को ड्रॉप किया, मैंने ये देख लिया, मैंने कहा क्यों ना इन पे आप ये ब्लॉग बनाए। ये तो ये है इधर फिनिक्स पार्क है, फिनिक्स पार्क में एक लोग कहते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा पार्क है, तो वहाँ पे आप क्या बोलते हो जबान में इनका रेवड़ी बोलते हो क्या, रेवड़ी बोलते हैं मेरे ख्याल, मतलब रात के वक्त वो निकलते हैं, दिन के वक्त आप बहुत भागते हैं थोड़े से क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वो रात के वक्त निकलते हैं, ये से 200 की तादाद में 50 की तादाद में ये होते हैं वहाँ पे, तो मैंने बहुत गलत जगह में पार्क किए तो इतने बड़े तादाद में उधर होते हैं। पीछे गाड़ी आ रही है अच्छा मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था वो हिरन के बारे में, तो वहाँ पे या ये वो सूरत है, अगर आप जा रहे हो रात के अंधेरे में पार्क में से, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी एक्सीडेंट हो गया हिरन के साथ, मतलब एक्सीडेंट हिरन मर गया जो भी है, जख्म कर लिया जो मर गया, तो आप उसे नहीं उठा सकते, आप मतलब वो अगर मर रहा है मर रहे तो आप उसको नहीं, या वह बहुत ज़्यादा चली है तो आप उसको नहीं उठा सकते, वो बस छोड़ दो उधर उसको, और अगर वो मर रहा है तो उसका अगर आपके पीछे ड्राइवर है कोई और गाड़ी वाला
तो वो उठाएगा, वो उठा के लेके जा सकता है, मगर आप उसको, मतलब ये नहीं है कि आप इंटेंशनली उसको मार दो फिर को कि मैं उठा दूंगा और ले जाऊंगा इसको, नहीं वो आप अगर आपने मार भी दिया, शायद कैमरे होंगे मुझे पता नहीं है, डेफिनेटली उधर कैमरे होंगे क्योंकि उधर एक US एम्बेसडर का रेजिडेंस है और दूसरा हमारा तीशक का रेजिडेंस है, तीशक मतलब प्राइम मिनिस्टर का, इधर तीशक बोलते हैं, तो उनका रेजिडेंस है तो जारी बात है वो स्पार्क में कैमरे बहुत होंगे, तो अगर आपने मार दिया तो आपके पीछे जो आ रहा है तो वो उठा सकते हैं, आप नहीं, आप हाथ नहीं लगा सकते उसको, तो उधर ये है और बहुत ज़्यादा हिरन है मेरे ख्याल पे, मैंने एक दफ़ा गिन रहा था, हम स्टोर्स हो जाते थे कस्टमर, तो हम तकरीबन 50 तो मैंने गिने थे, और ये ऐसे मतलब ग्रुप की शक्ल में होते हैं, और ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पार्क है, कोई कहता है यूरोप का सबसे बड़ा पार्क है, कोई क्या वोट है उस पर नहीं जाते, पार्क जो जो छोटा है बड़ा है, मगर यूरोप में छोटा या बड़ा है उस पर, मगर पार्क यहाँ के लिए ऐसे बहुत बड़ा है, तो वो उधर बहुत ज़्यादा हिरन है बच्चे, क्योंकि शिकार तो अलाउड नहीं है मेरे ख्याल पे, कुछ जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये अलाउ कर देते हैं कुछ लिमिट के हिसाब से, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपने देखा, ये रात के वक्त जब आप जा रहे होते हो तो ये बाज़ औक़ात आप रोड पे, मैंने आपको पता है कि ये तो बहुत तेज़ जाते हैं, तो बाज़ औक़ात लोग मार भी देते हैं क्योंकि वो जंप मार के आ जाते हैं, तो फिर ड्राइवर तो इतना वो एक्टिव नहीं होता है कि वो जब आ जाए तो आप एकदम कंट्रोल करके ब्रेक मार दो, जो भी तो वो पॉसिबल नहीं है, तो डेंजरस भी होते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पहाड़ी मतलब पहाड़ी बोल सकते हो, इतना ऊपर तो नहीं है मगर चलो भी, फिर भी जो भी है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये यहाँ का आज मौसम है, बहुत मौसम भी चेंज हो रहा है, इस तरह ठंड हो रहा है और हवा चल रही है, और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे ऐसे भी ये अच्छे जानवर अच्छे लगते हैं, चाहे वो गाय हो भैंस हो जो भी है, फ्यूचर में अपना कोई प्लान भी इसी तरह के करूँगा इंशाल्लाह, तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको दिखा रही है, ये तीन चार थे, एक दो बच्चे थे और एक महल में जोड़ी थी जो भी, तो ये आज का वीलॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो, इसमें लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो प्लीज़, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हम सबको सेहत बहुत बड़ी नेमत है, अस्सलाम वालेकुम।